हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं कंप्लीट रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी या फिर चित्र सादृश्यता भी कहते हैं इसे हिंदी में। फिगर एनालॉजी का आज है पार्ट वन। इससे पहले हमने वर्ड एनालॉजी तथा नंबर एनालॉजी डिस्कस किया है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां से जाकर आप इन पुराने वीडियोस को डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीट रीजनिंग के टॉपिक में फिगर एनालॉजी का आज पार्ट वन है। कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, ऑर्डर एंड रैंकिंग नंबर सीरीज तथा मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस किया है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। वो सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आज फिगर एनालॉजी का पार्ट वन है, तो चलिए देखते हैं फिगर एनालॉजी के कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं तथा आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर वन। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, हायर सेकेंडरी एग्जाम 10+2 का जो होता है, और 2013 में ये एग्जाम हुआ था। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आपके सामने दो आकृतियां दी गई हैं। तो एनालॉजी कहती है कि यहां जो पहली आपकी दो आकृति दी गई है पार्ट वन में, यहां से इन दोनों का एक दूसरे से दो संबंध है, वही आपके पार्ट सेकेंड वाली आकृतियों का एक दूसरे से होना चाहिए। तो अब बताइए पार्ट सेकेंड में ये जो संख्या मिसिंग है, यहाँ जो एक पार्ट मिसिंग है, वहाँ कौन सी इसमें से चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति होगी। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं। पहले हमें देखिए क्या दिया गया है। तो पहले हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। उस चतुर्भुज के अंदर ऐसे जो आपके तीर बनाए गए हैं, ठीक है, और एक बीच में आपका गोला बनाया गया है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीर के जगह तो एक तीर आपका बच जाता है, लेकिन गोले आपके दो हो जाते हैं, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि यहां आपका देखिए कि यहां जो आपका एक सर्कल छोटा सा बना हुआ है, यहां जो आपका एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, ये छोटा सा सर्कल यहां आकर क्या बन जा रहा है आपका, तो यहां आकर आपका चतुर्भुज बन जा रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आप क्या क्या देखेंगे, तो यहां देखिए, यहां जो एक छोटा सा सर्कल है, यहां जो छोटा सा सर्कल यहां वृत्त बन गया। तो मतलब ऑप्शन में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके बीच में क्या हो, तो जिसके बीच में आपका क्या होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए बीच में, ठीक है। क्योंकि यहां से वृत्त आपका चतुर्भुज बना है, तो वृत्त से चतुर्भुज होना चाहिए। तो हमें देखिए ऑप्शन में या क्या ऑप्शन संख्या ये होगा, नहीं होने वाला है। ऑप्शन संख्या सी भी नहीं होने वाला है। तो अब हमने दो जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दी। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो आपका बी होने वाला है या फिर आपका डी होने वाला है। तो अब आप बता सकते हैं यहां से कौन करेक्ट आंसर होगा। था देखिए, यहाँ तीर दो थे, अब यहाँ तीर एक बचा है। मतलब यदि यहाँ वृत्त दो हैं ऊपर, तो एक ही वृत्त बचना चाहिए। अब यहाँ देखिए आपका एक ही वृत्त बच रहा है, तो ऑप्शन संख्या डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और इसे ही हम एग्जाम में पिक करेंगे, ठीक है। ये आपका सीएचएसएल का एग्जाम में बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आप इसे ऐसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए, या तो आप यहाँ देखते दो तीर है, ठीक है, और एक तीर हो गया, तो यहाँ भी आपका दो सर्कल है, एक सर्कल हो गया, या फिर यहाँ आपके आसपास यहाँ देखिए एक सर्कल हो गया, और यहाँ देखिए आपका क्या है, एक वृत्त है, दो वृत्त हो गया। तो यहाँ यदि आपका एक चतुर्भुज है, तो दो चतुर्भुज होना चाहिए। वो हमें दिख कहाँ रहा है, तो दो चतुर्भुज हमें ऑप्शन संख्या डी में दिख रहा है। ऑप्शन संख्या सी तो हम पहले ही काट चुके हैं, ये होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो को देखिए और बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, आप एक बार देखिए, जो पैटर्न आपको समझ रहा आ रहा है उसे लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम आपको बताते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं या फिर अन्य परीक्षाओं में लगातार पूछेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, एक तो आपका ये पूछा गया सीएचएसएल 2013 के एग्जाम में, और उससे पहले 1999 और 2000 में एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो एमटीएस में पूछ गया वो सीएचएसएल में नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई एग्जाम में जो पिछले साल एमटीएस में पूछा गया था, वो सीजीएल के परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले हम पार्ट वन में देखेंगे जो हमने आपको बताया। पार्ट वन ये रहा आपका। पार्ट वन में क्या हो रहा है आपका, तो पहले आप एक चतुर्भुज था, उसके अंदर एक त्रिभुज था। अब हो क्या रहा है कि वही चतुर्भुज अंदर चला गया और त्रिभुज आपका कहाँ आ गया, तो त्रिभुज आपका ऊपर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में भी वही होना चाहिए। एक आपका
चतुर्भुज है, उसके ऊपर एक सर्कल है, एक चतुर्भुज उसके ऊपर एक सर्कल। तब यहाँ देखिए, तो अब पहले एक बड़ा सा हम चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक वृत्त होना चाहिए। अब ये हमें दिख कहाँ रहा है, तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन संख्या ए में ही दिख रहा है, और ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तीन परीक्षाओं में पूछा गया है, एक तो आपका CHSL 2013 और MTS 1999 और 2000 में, ये लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, ठीक है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, और यहां देखिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए आप जो पैटर्न लगा सकते हैं उसे लगाने की कोशिश कीजिए, और बताइए यहां करेक्ट आंसर्स में से क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखिए, पहले हम पार्ट वन में एक कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं कि यहां कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। यहां देखिए, पहले तो यहां आपका एक बनाया गया है, और यहां जो आपकी दो लाइनें दी गई हैं उसके विपरीत दिशा में दो लाइनें ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। तो मतलब यदि ये इस दिशा में लाइन को ड्रॉ किया गया है तो एक ऐसा बनेगा जिसकी लाइनें इस दिशा में होनी चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें दोनों ओर हैं, ये भी नहीं होने वाला है, और इसमें इसी दिशा में है तो ये भी नहीं होने वाला है। इन दोनों में से ही कोई एक होगा, और कौन सा होगा बस यही आपको बताना है। अब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब सिंपल है, यहाँ कैसे हमने किया कि यहाँ यदि दोनों यदि हैं आपकी और ये दोनों इसकी विपरीत दिशा में, तो यहाँ एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसकी इस दिशा में होंगी, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा काटा था, ऑप्शन संख्या ए काटा था और ऑप्शन संख्या डी काटा था। तो अब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां हम एक सिंपल सा रूल लगा सकते हैं कि यहां यदि आपका वृत्त है तो वृत्त के बाद त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। यहां तो आप लगा सकते हैं, या फिर यहां देख सकते हैं, यदि नीचे वाले के सामने पहले प्लस था तो अब इन जो रेखाएं हैं उसके साथ क्या है, एक त्रिभुज है, तो प्लस के साथ हमें त्रिभुज कंबाइंड करना है। एक बात तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां जहां प्लस था कैसे, तो यहां देखिए ये भी इसके पास था, ये जो दोनों साइड में लाइनें बनी हैं वो हमेशा प्लस के साथ थी, पहले वाले में प्लस के साथ है, और लेकिन दूसरे वाले में वो किसके साथ हो जाती है, तो दूसरे वाले में वो त्रिभुज के साथ हो जा रही है। तो यहाँ एक त्रिभुज हो सकता है। अब हमें त्रिभुज दिख कहाँ रहा है, तो त्रिभुज तो हमें दोनों ऑप्शन में ही दिख रहा है, लेकिन एक बात यहाँ और है कि त्रिभुज किस तरफ है, तो ये जो पार्ट खुले हैं बाहर की तरफ, त्रिभुज उसी तरफ है। तो यहाँ देखिए, त्रिभुज का नुकीला भाग जो पार्ट खुले हैं ऊपर की तरफ, सिर्फ ऑप्शन संख्या सी में ही है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होने वाला है, ऑप्शन संख्या सी। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखिए यहां यदि आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता, क्योंकि यहां देखिए, यहां जो नुकीला भाग है वो अंदर की तरफ बनाया गया है, और यहां जो नुकीला भाग है आपका वो बाहर की तरफ बनाया गया है, और यही कॉन्सेप्ट में बताना भी चाहता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC CHSL के एग्जाम में 2013 में, जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आज का अगला प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC CHSL एग्जाम 2013 में, और उसके बाद से आपका CGL में 2002 में पूछा गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं CGL के एग्जाम CHSL में रिपीट हो रहा है, CHSL के एग्जाम MTS में रिपीट होते हैं, MTS के एग्जाम CGL CHSL GD तक में रिपीट होते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको कंप्लीट रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, अदर स्टडी मटेरियल की आपको रीजनिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां देखिए क्या देखते हैं, अब यहाँ देखिए हमारे सामने एक पहले दो काली बिंदुएं थी और दोनों अंदर चली जाती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही हम देखेंगे, पहले इतना सा हम काट कर देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इलिमिनेट हो सकते हैं। तो ये तो आपका इलिमिनेट हो गया, ये भी आपका इलिमिनेट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ तो एक बाहर परमानेंट रह रहा है, ठीक है, उसमें हमको कोई कन्फ्यूजन किया फिर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ दो जो बाहर थे वो दो अंदर हो गए, बस यही कॉन्सेप्ट कह रहा है, और यहाँ जो दो आपके बाहर थे वो दोनों अंदर हो गए, तो ऑप्शन संख्या सी ही होना चाहिए, क्योंकि डी में तो तीनों अंदर हो गए, तो ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक और आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आप तो वैसे भी आंसर इलिमिनेट कर लिए, लेकिन आप सही देखने के लिए एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ तीनों अंदर है ये तो कट जाएगा। अब देखिए क्या ऑप्शन संख्या सी होगा, बचा है तो यही होना चाहिए, लेकिन देखिए ये दोनों इस दिशा में थे तो इस साइड से भेज दिया, तो ये दोनों इस दिशा में है तो इन दोनों को इस साइड भेजना चाहिए, तो बिल्कुल भेजा है, और जो सर्कल इसमें यहाँ था उसे यहाँ उठा दिया, तो इस सर्कल में देखिए जो यहाँ था उसे हमने यहाँ उठा दिया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
ये क्वेश्चन आपका CHSL तथा CGL दोनों परीक्षाओं में पूछा गया तथा रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका CPO के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल सा एक रूल है, आप उस रूल को फॉलो कर दिए और उस रूल को फॉलो करने से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि रूल फॉलो क्या कर रहा है, पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं। तो रूल हमने आपको बताया था कि पहले आप पार्ट वन में देखेंगे, एनालॉजी आपकी यही कहती है कि पहले आप पार्ट वन देखें। तो पार्ट वन कौन है आपका, तो पार्ट वन यही पार्ट है। तो इस पार्ट में देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखिए यहां आपका जो तीर मारा गया है और उसी पार्ट में बस विपरीत दिशा में आपका तीर मारा गया है, वही लाइन, लाइन सेम है यहां, उसमें कोई लाइन में डिफरेंस नहीं है। देखिए ये सेम लाइन है, ठीक है, लेकिन एक तरफ तीर कैसे मारा गया, तो एक तरफ आपका इस तरफ से मारा गया तो दूसरे में विपरीत दिशा में मारा गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां, देखिए यहां इस दिशा में मारा गया है तो यही इसके विपरीत दिशा में मारा गया है यहां, देखिए। ठीक है, अब ये सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। अब इसी सीरीज में आप आगे बढ़िए, अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, और यही सीरीज में आप आगे बढ़ना है। ठीक, दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में मारना है, आप मारिए और करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए ये इस दिशा में लगा है, तो मतलब ये किस दिशा में लगना चाहिए, ये इस दिशा में लगना चाहिए। अब ये इस दिशा में जहां ये हैं आपके, वही करेक्ट आंसर होने चाहिए। तो ऑप्शन संख्या सी तो इलिमिनेट हो गया आपका, सी हो नहीं सकता। अब आइए अब हम देखते हैं, तो यहां देखिए अब आपका जो एक है जो इस दिशा में है वो आपका किस दिशा में होना चाहिए, तो वो भी आपका डायरेक्शन मूव करेगा क्योंकि सभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो आप उसका डायरेक्शन मूव करके देख लीजिए कि उसका डायरेक्शन मूव करने पर क्या होता है। चूंकि देखिए ये एक वाटर इमेज बनाया गया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें कि यहां आपका एक वाटर इमेज बनाया गया। ठीक है, इन दोनों का यदि इमेज बनाते हैं, यदि आप दर्पण रख के बनाते हैं इमेज, तो यहां यदि आप एक दर्पण रखते हैं तो ये वाला जो है इस दिशा में चला जाएगा, ऊपर वाला सेम दिशा में रहेगा, नीचे वाला इस दिशा में रहेगा। ठीक है, तो नीचे हम वही करेंगे, नीचे भी हम क्या बनाएंगे, तो नीचे यहां एक दर्पण रखेंगे हम। अब इसको टू कॉपी यहां से कर दीजिए, तो ये तो आपका इस दिशा में होगा तो ये होने वाला है नहीं। ठीक है, अब ये यदि आपका इस दिशा में है तो ये आपका किस दिशा में होने वाला है, तो इस दिशा में होगा। अब यहां देखिए किस किस में वो है, तो देखिए इसमें तो ये वाला डायरेक्शन है नहीं, इसमें तो आपका ये वाला डायरेक्शन दिया गया, तो ऑप्शन संख्या बी आपका कट जाएगा। अब आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन बचे। ठीक है, अब आप जब लेंगे तो ये जो दिया गया है ये उठ के आपका कहाँ आ जाएगा, ये तो आपका सीधा ही रहेगा लेकिन उठ के यहाँ आपके दाहिनी तरफ से ये उठ के बाईं तरफ आ जाएगा, और खड़ी पाई बाईं तरफ हमें सिर्फ ऑप्शन संख्या डी में ही दिखाई दे रही है, और ऑप्शन संख्या डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल पैटर्न लगाना। यहां क्या था आपका, तो यहां आपका एक दर्पण रखा गया है और इस दर्पण का कॉपी इमेज बना है, तो यहां भी आप एक दर्पण रखिए और इस दर्पण का कॉपी इमेज ऑप्शन संख्या डी ही बन रहा है, और ये आपका SSC CPO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और कैसे इस पैटर्न में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं तो एक बात हमारे सामने ध्यान में आती है कि यहां हमें एक सिंपल बनाया गया है, ठीक है, और यहां हमें क्या किया गया है कि इसी को आप बैंड कर देंगे। ठीक, और यही एक आकृति ऐसे भी बनाई गई है, ठीक, और बीच में एक बिंदी दी गई है। अब आप समझ गए होंगे आकृति को, मतलब दो आकृतियां एक दूसरे के सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए यहां बीच वाला इसलिए मिटाया गया है कि ऐसी तो एक आकृति बनी है और दूसरा ऐसी आकृति ओवरलैप करके बनी है, तो जो ये वाला आपका डायरेक्शन है ये वाला ओवरलैप कर गया है, तो ये मिटा हुआ आपका दिखाई दे रहा है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चिपकाए गए हैं और आपका बीच में यहाँ एक बिंदी बन रही है। ठीक है, यही आपका सेम टू सेम आकृति बन रही है यहाँ आपकी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको ऐसी ही आकृति खोजनी है क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर में हमें दिया क्या गया, तो ऐसी आकृति सिर्फ हमें ऑप्शन संख्या बी में ही दिखाई दे रही है, आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन संख्या बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये आपका इस स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। ठीक है, तो यहां देखिए आप इसे देख भी सकते हैं, यदि आपको इसे बनाना है तो यहां देखिए इस क्रम में ये बन सकता है। ठीक है, यहां आपका ऐसे बनाया गया है, ठीक, और यहां आपका डबल क्रॉसिंग के साथ बनाया गया है। ठीक, तो यदि आप ऐसे बनाते हैं तो यहां से आप एक डबल क्रॉसिंग के साथ बनाएंगे यहां।
ठीक है, और इसके अंदर भी आप एक डबल क्रॉसिंग के साथ बनाए, जो ओवरलैप होता है वो इरेज होएगा, बीच में एक बिंदी होगी, ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ध्यान रहे कि हम कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले हमने डाइस डिस्कस किया है, उसके बाद से फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग पर एक पूरा विस्तृत कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। एनालॉजी के सीरीज में इससे पहले हमने नंबर एनालॉजी तथा वर्ड एनालॉजी डिस्कस किया है, आज तक फिगर एनालॉजी के प्रश्न, फिगर एनालॉजी के बाद हम फाइनली डिस्कस करेंगे अल्फाबेट एनालॉजी को। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको कंप्लीट रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।